हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा की जो बेसिक्स है वो स्टडी कर लिए हैं। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक, और इसके अलावा आपको ड्वेल लॉजिक के बारे में भी समझाया था। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर लॉजिक गेट्स स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये भी आप बोल सकते हो कि बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही आता है। तो अब हम सारे के सारे लॉजिक गेट्स पहले नॉर्मली पढ़ेंगे, थ्योरिकली पढ़ेंगे, और फिर उनमें बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बेसिक्स ही बताने वाला हूं लॉजिक गेट्स का। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि टोटल आपके कितने लॉजिक गेट्स होते हैं, टोटल आपके 7 लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है? हेलो शुभम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एंड और एंड नॉट, ये आपके एक तरह से बेसिक गेट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नैंड एंड नॉर की, तो ये आपके क्या होते हैं, यहां पर ये आपके होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। और इसके अलावा अगर हम लोग एक्सॉर एंड एक्स नॉर के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये आपके होते हैं स्पेशल गेट्स। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर टोटल 7 गेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें यहां पर स्टडी करना होगा। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेसिक गेट्स से ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा आपका नॉट गेट, ठीक है? हेलो लिपिका। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि आज हम लोग लॉजिक गेट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम और ड्वेल लॉजिक अंडरस्टैंड किया था। तो इतने लॉजिक गेट्स आपके होते हैं, और सबसे पहला लॉजिक गेट जो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में वो होगा आपका नॉट गेट, ठीक है? तो नॉट गेट से आप लोग हेडिंग डालोगे और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली नॉट गेट, आपके मन में ये आ रहा होगा, अरे नॉट गेट में ऐसा हम क्या पढ़ लेंगे, ठीक है? मतलब नॉट गेट में क्या है, बस एक ऐसा सिंबल बना देंगे, ए लिख देंगे, यहां पर वाई इक्वल टू ए बार लिख देंगे, यहां पर ट्रुथ टेबल बना देंगे, भाई जीरो का वन, वन का जीरो। तो नॉट गेट में और ऐसा क्या है जो पढ़ना है? बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? अभी आप देखना, मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट्स के अंदर, और इन्हीं चीजों से अंदर अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान से समझना। तो ये तो चलो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने कर ली, नॉट गेट का सिंबल बना लिया, ट्रुथ टेबल लिख लिया, वो हर एक लॉजिक गेट में हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। लेकिन उसके आगे क्या, नॉट गेट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप बहुत अच्छे समझना, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। देखो यहां पे मैं दो स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊंगा, इसी तरीके से हर एक लॉजिक गेट में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? ये आपका एक स्ट्रक्चर है, और दूसरा आपका एक और स्ट्रक्चर यहां पर मैं बना रहा हूं आपके लिए, ये आपका यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर है। यहां से आप इनपुट दोगे, यहां से आप आउटपुट लोगे, अगेन सेम, यहां से इनपुट और यहां से आउटपुट। अगर आप दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे, हेलो अनन्या, तो अगर आप दोनों के दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहां पर आपके 3 नॉट गेट है और यहां पर आपके 4 नॉट गेट है, बस इतना ही फर्क है। दोनों में देखो इनपुट अप्लाई कर रहे हो, आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहां पर फीडबैक भी है, दोनों में ही फीडबैक है। अब देखो यहां पर ना आप दो चीजें सीखोगे, एक तो नॉट गेट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये देखोगे, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखोगे, डिले। डिले वाले क्वेश्चन ना डिस्टर्ब में बहुत आते हैं, तो मैं स्टार्ट से ही कोशिश करूंगा कि डिले वाले क्वेश्चन इंक्लूड करता चलूं, ठीक है? तो पहले एनालिसिस करते हैं सर्किट का, फिर डिले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, जैसे कि पहले सर्किट को हम देखें, यहां पर अगर मैं इनपुट जीरो देता हूं, अब डिस्टर्ब है भाई, तो इनपुट या तो जीरो दोगे या तो वन दोगे। तो अगर मैं इनपुट जीरो देता हूं तो पहले का क्या मिलेगा, वन, फिर जीरो, फिर वन, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब आपको यह समझना होगा, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो एक मशीन है, मैं मार्केट से खरीद के ले आया और मुझे चेक करना है मशीन को, तो मैंने क्या किया, मैंने इनपुट जीरो दे दिया और मैं चुपचाप से यहां पर आउटपुट के साइड में आके खड़ा हो गया और देखने लगा भाई आउटपुट क्या आ रहा है। तो आपको यह समझना होगा कि मैंने इनपुट सिर्फ जीरो दिया है, मैंने और कुछ इनपुट नहीं दिया, लेकिन होगा क्या, यह फीडबैक लगे होने के कारण जब ये वन आपको मिलेगा तो वन अपने आप वापस से इनपुट में जाएगा और फिर ये जीरो वन जीरो आपको जीरो मिल जाएगा,
फिर ये जीरो जाएगा और आपको क्या मिलेगा वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, ऐसे करके लगातार रिपीट होता चला जाएगा। ध्यान रखना मैंने इनपुट सिर्फ जीरो ही दिया था, मैंने बार बार इनपुट नहीं दिया था, वो फीडबैक के कारण बार बार घूमता चला गया। एक और एग्जांपल ले लो, लेट सपोज अगर मैं इनपुट वन देता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा, जीरो वन जीरो, जीरो मिलेगा, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, लगातार आउटपुट आपका क्या होगा, रिपीट होगा, वन जीरो वन जीरो वन जीरो या जीरो वन जीरो वन जीरो वन। सेकेंड सर्किट में देखते हैं, मैं अगर यहां पर इनपुट जीरो देता हूं और आउटपुट के साइड में आके खड़ा हो जाता हूं तो वन जीरो वन जीरो, जीरो मिलेगा, फिर मैं तो सिर्फ एक ही बार इनपुट दे रहा हूं लेकिन ये इनपुट फीडबैक के कारण वापस से यहां आएगा लेकिन जीरो का जीरो ही रहेगा, तो ये आपको जीरो 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 मिलता जाएगा। सेम अगर मैं वन दे दूं तो आपको क्या मिलता चला जाएगा, वन 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 वन। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आप लोगों को क्लियर हो पाई अच्छे से। तो अब इस पॉसिबिलिटी को हमें अब कंक्लूड करना है, समझना है कि ये पॉसिबिलिटी क्या बता रही है हमें। तो ध्यान से समझो, आप देखो आपने इनपुट जीरो दिया या मैंने इनपुट जीरो दिया, मान लो मैं आकर यहां पर आउटपुट के साइड में खड़ा हो गया, भाई ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि मेरा आउटपुट क्या होगा। तो जब मैं आउटपुट देखने के लिए आया तो मुझे बार बार वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो मिलने लगा, तो भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरा आउटपुट क्या वन है कि मेरा आउटपुट जीरो है, मुझे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि बार बार वन जीरो वन जीरो वन जीरो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने इनपुट वन दिया तो मैं देख रहा हूं आउटपुट जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर, गुड इवनिंग प्रियंका, अगर मैं यहां पर देखूं जीरो तो जीरो पे पूरा जीरो रिपीट हो रहा है, मतलब अगर जीरो इनपुट देता हूं मैं और आउटपुट के साइड में आकर खड़ा होता हूं तो इनपुट लगातार मुझे क्या मिल रहा है, जीरो इनपुट पे लगातार आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, फिक्स आउटपुट मिल रहा है। वैसे ही वन पे भी लगातार मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है। तो जब फिक्स मिलेगा तो मैं और ज्यादा श्योर हो जाऊंगा ना, मतलब मैंने जब जीरो इनपुट दिया मुझे लगातार जीरो 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 मिला। बात यह नहीं है कि जीरो 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 मिल रहा है, वन 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 मिल जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जीरो इनपुट पे, बात यह है कि सेम आंसर बार बार रिपीट हो रहा है तो मुझे और ज्यादा शोटी हो जाएगी कि हाँ भाई मेरा आंसर ये है। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो ये जो सिचुएशन है इसमें चाहे इनपुट जीरो दो चाहे इनपुट वन दो, दोनों ही सिचुएशन में आपको आउटपुट क्या मिलते हैं, अनस्टेबल मिलते हैं, इनको बोला जाता है अनस्टेबल आउटपुट। तो ये जो आपका सर्किट है बेसिकली ये अस्टेबल सर्किट है। ठीक है, ये आपका सर्किट कौन सा है, अस्टेबल सर्किट है। अस्टेबल का मतलब ये है कि दोनों के दोनों इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट आपको मिल रहे हैं वो अनस्टेबल मिल रहे हैं। और यहां पर अगर आप समझोगे तो यहां पर जीरो देने पर भी जीरो 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 मतलब फिक्स, वन देने पर भी वन 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 मतलब फिक्स, मतलब इस पे दोनों स्टेट आपके स्टेबल है, दैट्स व्हाई ये कहलाता है बाईस्टेबल सर्किट। तो बाईस्टेबल सर्किट और अस्टेबल सर्किट, ये दोनों का एनालिसिस हमें यहां पर जानना था। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो सिंपल सा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ये मैं ऑलवेज ही देता हूं, देखो जैसे कि मैंने आपको कोई काम बोला, मैंने बोला आप मेरा काम करोगे, मैंने शुभम को बोला शुभम आप मेरा काम करोगे, शुभम ने बोला हाँ मैं करूंगा, फिर शुभम ने पांच मिनट बाद बोला मैं नहीं करूंगा, फिर शुभम ने पांच मिनट बाद बोल दिया चैट में मैं नहीं करूंगा, फिर उसने बोल दिया मैं करूंगा, फिर बोल दिया नहीं करूंगा, फिर बोल दिया करूंगा, तो मैं क्या कभी शुभम पे ट्रस्ट कर पाऊंगा कि शुभम मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा, इतनी बार उसने हाँ ना कर दी, बस ये सिचुएशन यहां पर हो रही है। लेकिन अगर मैंने शुभम को बोला शुभम मेरा काम करोगे, शुभम ने बोला हाँ मैं करूंगा, फिर दो मिनट बाद फिर से बोला हाँ मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा, लगातार बोलता चला गया, तो मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई ये बंदा तो मेरा काम करेगा ही करेगा, तो ये सिचुएशन यहां पर हो रही है, मतलब मुझे और श्योरिटी मिल जाएगी। या शुभम ने बार बार बोल दिया मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, तब भी मुझे श्योरिटी रहेगी कि शुभम मेरा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते रहेगा तो मैं अनश्योर हो जाऊंगा। तो ये ऊपर वाली सिचुएशन है अनश्योर वाली, ये आपकी नीचे वाली सिचुएशन है शोर्टी वाली, ये पॉइंट आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो ये है आपका अनस्टेबल, मतलब ये सर्किट क्या कहलाता है, अस्टेबल, और ये सर्किट क्या कहलाता है, बाईस्टेबल सर्किट। ठीक है, अब यहां पर हमको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो बाईस्टेबल सर्किट है ना, कहने को वो भी अच्छा लग रहा है लेकिन एप्लीकेशन जो है वो अस्टेबल का है, जहां पर अनश्योरिटी है, जहां 1010010 रिपीट होता है। तो अब मैं अस्टेबल सर्किट को थोड़ा सा और एनालिसिस करवाऊंगा और आप उस एनालिसिस को ध्यान से समझना, मैं डिले वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, डिले वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं कुछ चीजों को, और जैसे मैंने पहली लेक्चर से बोला है कि जब भी आपको लगे कि आप नोट नहीं कर पाए हो, मैं हमेशा स्पेस दूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट बहुत स्पीड से ले लेना। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका अस्टेबल सर्किट है, इसे अगर हम लोग ध्यान से अब ऑब्जर्व करने के लिए जाएं,
तो आप देखो क्या होगा, जैसे कि मैं अपना इनपुट जो है वो जीरो जब देता हूं तो 101 मुझे वन आउटपुट मिलता है। अब आपको यह समझना होगा कि जब भी आप डिले लेते हो ना डिले, तो डिले ना किसी वायर का नहीं लिया जाता है। डिजिटल में जितने भी क्वेश्चन करोगे डिले कभी वायर का नहीं लोगे। वायर मतलब जैसे कि यह वायर है जो आउटपुट से इनपुट आने के लिए यूज हो रही है, एक वायर है, ये वायर है बीच की, ये वायर है बीच की, मतलब डिले हमेशा लॉजिक गेट्स का लोगे या कोई कंपोनेंट कनेक्टेड होगा या कोई डिवाइस कनेक्टेड होगा उसका लोगे। जैसे यहां पर 3 नॉट गेट कनेक्टेड है तो उनके डिले लोगे। तो लेट सपोज हर एक नॉट गेट का डिले आपका टीपीडी है। अब ये टीपीडी क्या नोटेशन है वो भी आप अंडरस्टैंड कर लो स्टार्ट से ही। टीपीडी मतलब होता है आपका प्रोपगेशन डिले। अब ये प्रोपगेशन डिले क्या होता है वो भी आप अंडरस्टैंड कर लो। प्रोपगेशन डिले का मतलब ये होता है जब भी आप किसी डिवाइस को कोई इनपुट देते हो तो वो डिवाइस आउटपुट देने में जो समय लेता है उसे कहते हैं प्रोपगेशन डिले। जैसे लॉजिक गेट है, उसको जब कोई इनपुट दोगे तो अपना लॉजिक लगाएगा ना, उसके बाद ही तो आउटपुट देगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका प्रोपगेशन डिले। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से? तो जब भी आप किसी डिवाइस को कोई इनपुट दोगे आउटपुट देने में जो समय लेगा वो प्रोपगेशन डिले कहलाता है। तो यहां पर टीपीडी 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 तीनों नॉट गेट का प्रोपगेशन डिले है। तो जब आपने इनपुट जीरो दिया तो आपको पहली बार वन कितने समय के बाद मिलेगा, 3 टीपीडी के बाद, ये समझ में आया? फिर ये वन अपने आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहां पहुंच जाएगा क्योंकि वायर का डिले हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर फिर से टीपीडी 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 कितना, 3 टीपीडी, कितना हो जाएगा जीरो। फिर से टीपीडी 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 3 टीपीडी, कितना हो जाएगा वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, ऐसे करके लगातार होता चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे, लेट सपोज मैं पहला आउटपुट को बनाऊं, तो पहला आउटपुट अगर मुझे वन मिला तो कोई बता सकता है कि ये वन जो होगा जब ये जीरो हो रहा है तो ये वन की ड्यूरेशन क्या रही होगी, ये जीरो की ड्यूरेशन क्या रही होगी, कोई बता सकता है? यहां पर देखो आउटपुट आपका 1010010 हो रहा है, तो कोई बता सकता है यहां पर कि ये वन की ड्यूरेशन क्या रही होगी आउटपुट के? देखो एक स्क्वायर वेव बन रही है, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक वन की ड्यूरेशन क्या रही होगी, जीरो की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कोई भी बता सकता है? 3 टीपीडी, वेरी गुड शुभम। देखो जीरो जब पास हुआ तो वन मिला, मान लो वन से स्टार्ट किए हम लोग, तो वन यहां आने में कोई समय नहीं लेगा। फिर ये वन कब तक वन बना रहेगा, जब ये वन यहां से 3 बार पास होके जीरो ना हो जाए तो कितना टाइम लगा, 3 टीपीडी। फिर ये जीरो जो है वो यहां तक आने में कोई टाइम नहीं लेगा। फिर जब ये जीरो 3 नॉट गेट से पास होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब फिर से कितना हो गया, 3 टीपीडी। तो हर एक 3 टीपीडी के बाद 1001 में चेंज होता जाएगा, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी एक स्क्वायर वेव यहां पर बन जाएगी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो 3 टीपीडी, यहां पर भी कितना हो जाएगा आपका 3 टीपीडी, एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां ध्यान से अब ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी एक स्क्वायर वेव है। अब आप मुझे बताओ, आपने कभी इस बारे में सुना है टाइम पीरियड, आपने कैपिटल टी टाइम पीरियड कभी सुना है आज तक? अगर सुना है तो मुझे बताओ टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पर क्या होगी। अगर आपने टाइम पीरियड के बारे में सुना है तो मुझे बताओ इस स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी आपकी, कोई भी बता सकता है? इस स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? तो ध्यान से सुनो आप, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, मतलब सेम चीज कितने समय के बाद रिपीट हो रही है ये आपको बताना है। कोई बता सकता है कि ये फिगर कितने कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? ओके, अनन्या ने बताया 3 टीपीडी। तो रिपीट का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो रिपीट का मतलब सेम चीज हो, तो सेम चीज कितने टाइम के बाद हो रही है। अगर आप देखोगे, मैं अगर यहां पर आपको शो करूं तो देखो यहां से ये ऐसा बना, यहां से ये ऐसा बना, फिर से देखो यहां से ऊपर की तरफ गया था, फिर से देखो यहां से ऊपर की तरफ गया। तो अगर आप देखोगे 6 टीपीडी हो जाएगा, वेरी गुड शुभम। देखो 10, तो 1 जहां से आया उसके बाद 1 दोबारा कब आ रहा है, 6 टीपीडी के बाद आ रहा है ना, 10 फिर 1 आया, मतलब 3 टीपीडी 1 रहा, 3 टीपीडी 0 फिर 1 आया, तो मतलब आपका आंसर आया 6 टीपीडी।
तो टाइम पीरियड जो निकल कर आ रहा है हमारा वो आया है 3+3 6 TPD। आप कोई मुझे ये बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होता है? कोई भी बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होता है हमारा? कोई भी बता सकता है इसको? तो आप ध्यान से देखो, देखो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/टाइम पीरियड, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम लोगों की? 1/टाइम पीरियड होती है। वेरी गुड शुभम, F=1/T। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो यहां से अब अगर आप समझोगे तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव का। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव कितना होगा तो क्या करेगा, आपको ना टीपीडी की वैल्यू दे देगा। मान लो टीपीडी की वैल्यू दे दिया 1 नैनो सेकेंड, आप 1 ही ले लो, चलो 1 दे दिया, तो आप फिर बड़े आराम से फॉर्मूले में वैल्यू करके निकाल पाओगे। लेकिन जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां पर अगर आप समझोगे, जो मैंने 2 सर्किट लिए थे, एक सर्किट में मैंने 3 NOT गेट लिए, एक सर्किट में मैंने 4 NOT गेट लिए। जहां 4 लिया था वहां पर क्या बन गया था, बाईस्टेबल, लेकिन जहां 3 लिए थे वहां बना था अस्टेबल, और वहीं से हमें स्क्वायर वेवफॉर्म बनी। जहां पे हमने 4 लिए थे वहां तो 0 0 0 0 0 या 1 1 1 1 1 रिपीट हो रहा था, उससे तो स्क्वायर वेव नहीं बनती ना। स्क्वायर वेव कब बनेगी, जब 1 0 1 0 1 0, मतलब 1 0 1 0 1 0 रिपीट हो। तो अब अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो कोई सिमिट्री ढूंढ पा रहा है, मतलब नंबर ऑफ नॉट गेट कितने होने चाहिए? तो अगर आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ नॉट गेट 3 थे, अगर नंबर ऑफ नॉट गेट 5 भी होते हैं, 5 5, तो क्या होगा, 0 का 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1। अगर 7 भी होते हैं तब भी वही रहेगा, 9 होंगे तब भी वही रहेगा। मतलब क्या है कि आप जो f का फॉर्मूला लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1/2n TPD, वेयर n इज नंबर ऑफ नॉट गेट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि n शुड बी ऑड। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और एक बात देखो, मैंने 2n TPD क्यों लिखा, देखो जब यहां पर 3 थे तो आपका आंसर क्या आया, 1/6 आया TPD, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना। अगर यहां पर 5 होते तो 1/10 TPD हो जाता, 7 होते तो 1/14 TPD हो जाता। तो ये आपका यहां पर जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? आप सभी के सभी इसको नोट कर लो अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है? तो नॉट गेट में आपको ना इतनी चीजें आइडिया रहनी चाहिए थी। नॉट गेट का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होगा जैसा हम बाकी के लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, तो नॉट गेट में आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब जो बाकी के लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे ना, उसमें पॉइंट्स ना सिमिलर रहने वाले हैं, तो आप पहले लॉजिक गेट को बहुत अच्छे समझना, एंड गेट को, उसके बाद ना काफी हद तक पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे। तो अगर आप यहां पर देखते हो एंड गेट को, तो एंड गेट आपका क्या होता है, देखो ट्रूथ टेबल तो आपको पता ही है, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या होता है हमारा 0 0 0 1, सिंबल भी आपको पता है AB, तो आंसर क्या होता है आपका Y=A×B। ये सारी चीजें हमें आती हैं, पहले से आती है, हमने एंड ऑपरेशन कई बार देख लिया है, ड्यूअल लॉजिक में भी हमने देखा था। एक बात मुझे बताओ, कभी आपने सोचा है कि ये जो आप आंसर लिखते हो कैसे लिखते हो? एक्चुअली देखो, जो आपने आंसर लिखा है ना वो यहीं से आ रहा है। अगर आप SOP फॉर्म देखोगे, SOP फॉर्म में क्या होता है आपका, आप 1 को लेते हो, तो जब आप 1 लोगे तो क्या आएगा, AB हाई है, BB हाई है, तो आंसर क्या होगा, A×B, देख सकते हो आप, ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक है, एंड गेट का मतलब आपको यही समझना है, जो आउटपुट आएगा उसका मतलब आपको सिर्फ यही समझना है कि जितने इनपुट रहेंगे सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 इनपुट है तो ABC, 2 इनपुट है तो AB, जितने इनपुट रहेंगे बस आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो ये चीज आपको पता थी, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है वो समझना जरूरी है। तो अगर हम लोग यहां पर आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना शुरू करें, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा एंड गेट में या किसी भी गेट में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा इनेबल एंड डिसेबल, ठीक है? इनेबल एंड डिसेबल ये आपको चेक करना होगा हर एक लॉजिक गेट में। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक बार सीख जाओगे तो बाकी सारे लॉजिक गेट में खुद से कर पाओगे, तो पॉइंट्स आपके सेम रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो कैसे चेक करते हैं, आप अच्छे से प्रोसेस को लर्न कर लो। जिस भी गेट का इनेबल या डिसेबल चेक करना है, उस गेट को आपको 2 बार बनाना है, 2 बार,
चाहे एंड गेट हो, चाहे नॉर गेट हो, चाहे एक्सॉर गेट हो, कोई भी गेट हो, दोनों बार इनपुट ए देना है और दोनों बार दूसरा इनपुट आपको देना है कंट्रोल। एक बार कंट्रोल की वैल्यू लेनी है जीरो, एक बार कंट्रोल की वैल्यू लेनी है वन। मतलब कंट्रोल वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, एक इनपुट वेरिएबल दोगे, दूसरा इनपुट कांस्टेंट दोगे। एक बार कांस्टेंट दोगे जीरो, एक बार कांस्टेंट दोगे वन। अब देखो क्या करोगे, ए वेरिएबल है तो ए जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। जब ए जीरो होगा तो आंसर क्या होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब ए जीरो होगा तो आंसर जीरो होगा, जब ए वन होगा तो वन इंटू जीरो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड गेट की यही खास बात होती है ना कि कोई भी एक इनपुट जीरो होगा तो आंसर जीरो ही रहेगा। यहां पर अब देखो, अगर ए जीरो होगा तो जीरो इंटू वन जीरो होगा, अगर ए वन होगा तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल है तो ए जीरो भी हो सकता है और ए आपका क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर अब अगर आप देखोगे तो आपको कैसे देखना है, आप समझ लो, अगली बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से बनाओ। आपको ऐसे देखना है वर्टिकली, आपको ऐसे ऐसे नहीं देखना। मतलब किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किस बात से लेना देना है कि जब आपने इनपुट को चेंज किया, मतलब वर्टिकली देखो, तो क्या आउटपुट चेंज हुआ कि सेम रहा। देखो मान लो आपके पास कोई स्क्वायरिंग डिवाइस है, मतलब ऐसा कोई डिवाइस है जो स्क्वायर करता है। आपने इनपुट टू दिया, आंसर आया फोर, आप सोचोगे सही है। आपने इनपुट थ्री दिया, फिर भी आंसर आया फोर, इसका मतलब क्या है, वो फोर पे अटक गया है, वो काम नहीं कर रहा है। तो वही सिचुएशन है, जब आपने इनपुट चेंज किए लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हुआ, आउटपुट जीरो का जीरो रहा, तो क्या है, डिसेबल है। आपने इनपुट चेंज किया, आउटपुट चेंज हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं देखना है कि जीरो पे जीरो मिला, वन पे वन मिला, उस बात से कोई मतलब नहीं है किस पे क्या मिल रहा है। मतलब इस बात से है कि इनपुट को चेंज करने से आउटपुट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां पर ये वाला सर्किट इनेबल है और ये वाला सर्किट डिसेबल है। तो यहां पर अगर आप बोलोगे इनेबल, तो इनेबल आप बोलोगे कंट्रोल वन, मतलब वन है इनेबल। यहां पर आंसर क्या होगा, इनेबल क्या है एंड गेट के लिए, वन है, वन। ये पॉइंट आपको समझना होगा कि एंड गेट के लिए जो आपका इनेबल है वो कितना है आपका, वन है। पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका होता है अनयूज्ड इनपुट। अब ये क्या होता है भाई अनयूज्ड इनपुट, आप समझो इसको भी। देखो पहले अनयूज्ड वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। अनयूज्ड का मतलब ये है, मान लो आप लैब जा रहे हो, लैब कॉलेज में जाते हैं ना हम लोग, तो आप लैब जा रहे हो। देखो इनेबल इनपुट ऐसा नहीं है, मतलब एंड गेट कब इनेबल होगा कब डिसेबल होगा इस चीज का एनालिसिस आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब एंड गेट को अगर इनेबल करना है तो आपका वन वन होना चाहिए वहां का इनेबल, ये चीज मुझे समझानी थी। हाँ इसका जो आप यूज बोल रहे हो वो चीज आगे मैं बताऊंगा। देखो हाँ, और कंट्रोल जो है, व्हाट इज कंट्रोल, तो कंट्रोल इज बस कॉन्स्टेंट, मैंने यही बोला। कंट्रोल वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बुकिश लैंग्वेज है हमारी। कंट्रोल इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। एक बार आपने कॉन्स्टेंट जीरो देकर चेक किया, एक बार आपने कॉन्स्टेंट वन देकर चेक किया, तो कंट्रोल ही बताएगा कि इनेबल क्या है। तो कंट्रोल जीरो भी इनेबल हो सकता था, कंट्रोल वन भी इनेबल हो सकता था, लेकिन यहां पर कंट्रोल वन इनेबल निकला, मतलब कॉन्स्टेंट वन इनेबल निकला। बस कंट्रोल वर्ड से कोई मतलब नहीं है, आप बस एक एक कॉन्स्टेंट देके देखोगे। और अब अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं अनयूज्ड इनपुट, तो अनयूज्ड इनपुट का मतलब क्या है, मान लो आप लैब जा रहे हो, आपका टारगेट था भाई आज तो मैं जाकर ए इंटू बी इंटू सी करके, सॉरी ए इंटू बी करके छोड़ूंगा, आज मेरा टारगेट है कि मैं ए इंटू बी करूंगा, आपने ये सोच लिया। लेकिन जैसे ही आप लैब पहुंचे आपने क्या देखा कि भाई यहां तो सारे के सारे जो एंड गेट है वो थ्री इनपुट वाले हैं, कोई भी एंड गेट टू इनपुट वाला है ही नहीं। लेकिन भाई आप तो अपने घर से सिर्फ दो वेरिएबल लेके निकले थे, आपने बोला था कि आज मुझे भाई मेरे पास ए और बी है, आज मैं ए इंटू बी करूंगा, तो पर दिक्कत क्या हो गई कि आपके पास जितने भी एंड गेट हैं वो सारे के सारे थ्री इनपुट वाले हैं, लेकिन आपको तो ए इंटू बी करके छोड़ना है आज, तो क्या करोगे, फिर ए और बी यहां दे दोगे और थर्ड इनपुट को दे दोगे क्या, थर्ड इनपुट को दे दोगे वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो सेम का सेम रहेगा। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से,
वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते थे? इसके अलावा आप देखो, आप ए बी 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 दे सकते थे। मैंने आपको पढ़ाया बी इंटू बी बी ही होता है, तब भी आंसर ए बी आ जाएगा। आप ए ए बी भी दे सकते थे, तब भी आंसर ए बी आता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ऑप्शन वेरिएबल या कांस्टेंट का हो, मतलब मान लो जो अनयूज्ड इनपुट है उसमें आप वेरिएबल भी दे सकते हो कांस्टेंट भी दे सकते हो, तो ऑलवेज कांस्टेंट दो। वेरिएबल देने से लोडिंग ज्यादा पड़ती है, तो आपका आंसर अनयूज्ड इनपुट का क्या होगा? वन होगा, सेम इनपुट का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, जहां पर इक्वेशन वाइज जरूरत होगी वहां पर हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अनयूज्ड इनपुट क्या होगा तो वन होगा। वैसे इक्वेशन वाइज आप ए बी बी भी दे सकते थे, ए ए बी बी भी दे सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से। और कंट्रोल इनपुट जैसे मैंने बोला सिर्फ कांस्टेंट है, और कुछ के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और इनेबल, इनेबल का मतलब यही है कि एक इनपुट अगर आपका वन है तभी एंड गेट आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देगा, अदरवाइज एंड गेट का आउटपुट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये मतलब है बोलने का कि अगर आपका एक इनपुट वन नहीं है, कोई भी एक इनपुट अगर आपका वन नहीं है, तो एंड गेट का आउटपुट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना होगा। कोई भी एक इनपुट नहीं, बोल सकते हो कि एक तरह से वन आपको चाहिए। ठीक है, वन आपको चाहिए तभी, यहां पर वन अगर आपको मिलता है और दूसरा वेरिएबल होगा तो उस सिचुएशन में आपका चेंज होगा। जैसे कि यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। एक आपका वन पे कांस्टेंट था, दूसरा जीरो वन हो रहा था, तो आपको आंसर में चेंज दिखाई दे रहा होगा, आप देख लो। ठीक है, तो एक इनपुट कंट्रोल जो है अगर आप वन लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि एंड गेट आपका काम कर रहा है। मेन बात यह है, इनेबल डिसेबल आपको चेक करना आना चाहिए। और थर्ड क्या है आपका? थर्ड होगा आपका कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब अगर आप ए बी करो या ऊपर बी लगा दो नीचे ए लगा दो, सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप टू इंटू थ्री करो, थ्री इंटू टू करो, मीनिंग क्या होती है आपकी? सेम होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। अब अगर एसोसिएटिव की बात की जाए तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि आपने ए बी सी किया, आपने ए बी इंटू सी किया, आपने ए इंटू बी सी किया, क्या ये ऑलवेज सेम होगा? मतलब आपने ए बी सी को एक साथ कर दिया तब भी आंसर ए बी सी आएगा। पहले आपने ए बी कर लिया, उसका जो आंसर आया उसको सी के साथ कर लिया, तब भी क्या आपका आंसर सेम आएगा? मतलब 2 इंटू थ्री इंटू फोर कर लिया, या पहले 2 इंटू थ्री किया फिर उसके आंसर को 4 के साथ किया, तो आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में, मतलब एंड ऑपरेशन में, आप बोल सकते हो कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई जरूर होगी। तो आप ये देख सकते हो हर एक लॉजिक गेट में। वैसे आगे जाकर जब नैंड गेट, नॉर गेट पढ़ोगे या एक्सॉर एक्सनॉर पढ़ोगे तो वहां और भी चीजें होंगी, एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन हर एक लॉजिक गेट में ये तीन चीजें तो भाई आपको करनी पड़ेंगी। कौन सा? इनेबल डिसेबल, अनयूज्ड और कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये तीन चीजें आपकी हर एक लॉजिक गेट में होकर रहेगी। लॉजिक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? तो इसको आप यहां तक नोट कर लो। एक बार अगर आपका एंड गेट हो गया तो और गेट जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं। एंड गेट हो जाने के बाद और गेट ओनली फॉर्मेलिटी। आप देखना, अभी मैं अब इसको हटा रहा हूं, देखो अब ध्यान से। और गेट क्या हो जाएगा आपको अच्छे से आता ही है, सिंबल ए बी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए बी वाई, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, जीरो वन वन वन, ये आपको आता ही है। ठीक है, ये आपको पता है, सारी चीजें हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पर अब अगर आप समझोगे ना तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? आपको चेक करना होगा इनेबल एंड डिसेबल। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी चेक करके बताओ, क्योंकि सीखना जरूरी है ना। जब तक सीखोगे नहीं तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब आगे अपने आप से कभी नहीं कर पाओगे। तो आप करो इसको, आप इनेबल डिसेबल मुझे चेक करके बताओ कि इनेबल कौन सा होगा, ये मुझे आंसर चाहिए।
ठीक है, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप सबको बताना है चैट सेक्शन में मुझसे पहले। तो मैंने क्या बोला है, दो बार सेम गेट को आप ड्रॉ कर लो, एक बार वेरिएबल ले लो और एक बार कंट्रोल जीरो और एक बार कंट्रोल वन। ठीक है, वेरी गुड शुभम, कंट्रोल जीरो इनेबल होगा, बहुत बढ़िया। तो आप देखो वेरिएबल जो ए है वो जीरो भी हो सकता है, वन भी। जब जीरो होगा तो जीरो प्लस जीरो जीरो, आप देख सकते हो, वन प्लस जीरो वन। अगेन वेरिएबल जो है वो जीरो भी हो सकता है, वन भी। तो जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन वन। अब देखो देखो, अब यहां पर किन लोगों से ये नहीं बना होगा, जिन लोगों ने मेरी बात ये वाली नहीं सुनी होगी कि ऐसे ऐसे नहीं देखना है, वर्टिकली देखना है, या जिन लोग जीरो को छोटा समझते हैं और वन को बड़ा समझते हैं, उनसे भी नहीं बना होगा। सोचेंगे अरे ये तो वन वन आ गया तो कैसे होगा, ऐसा नहीं है। मैंने यही आपको बोला है कि आपको ऐसे देखना है वर्टिकली। एक सिंपल सा लॉजिक बताया, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, कि जब आपने ऐसे देखना है, अगर इनपुट चेंज हुआ तो क्या आउटपुट चेंज हुआ या आउटपुट सेम है। अगर आपको आउटपुट दोनों वैल्यू सेम मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिसेबल, मतलब काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर दोनों आउटपुट की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, मतलब काम नहीं कर रहा है तो क्या है, डिसेबल। और यहां पर दोनों आउटपुट की वैल्यू अलग अलग है, मतलब क्या है आपका, इनेबल, मतलब कंट्रोल जीरो आपका क्या होगा, इनेबल होगा। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो कंट्रोल जीरो मतलब जीरो यहां पर इनेबल होगा फॉर ऑर गेट, क्योंकि जब आप इनपुट को चेंज कर रहे हो तो आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। हम लोग को सिर्फ इस बात से मतलब है, वर्टिकली देखना है कि जब ये दो वैल्यू अलग अलग है तो क्या ये दो वैल्यू सेम है कि अलग अलग है। अगर ये दो वैल्यू अलग अलग है तो इनेबल, सेम है तो डिसेबल, बात खत्म। इतना ही सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अब अगले गेट में सबके सबसे बनना चाहिए, अगले लॉजिक गेट में, ठीक है। अभी सिर्फ शुभम ने बताया है, तो ये आपका इनेबल एंड डिसेबल हो गया। उसके बाद सेकेंड मुझे बताओ, अनयूज्ड इनपुट क्या होगा सबके सब, अनयूज्ड इनपुट जल्दी से, मतलब अगर मेरे पास ए और बी है तो मैं अगला ऐसा क्या दूं कि मेरा आंसर ए प्लस बी ही मिले मुझे, अगला मैं ऐसा क्या दूं कि मुझे आंसर ए प्लस बी ही मिले। तो अनयूज्ड इनपुट क्या होना चाहिए, मतलब अगर मेरे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल अवेलेबल हैं और मुझे आंसर ए प्लस बी ही चाहिए तो तीसरे में क्या दूं कि आंसर ए प्लस बी ही मिले, बताओ। वेरी गुड शुभम, प्रियंका आपका भी सही है, जीरो। क्योंकि और गेट का काम, हर लॉजिक गेट को उसके काम से याद रखना है, और गेट का काम क्या होता है, एडिशन करना। और गेट का काम होता है एडिशन करना, और जब भी ऐड करना हो और कोई फर्क ना पड़वाना हो तो किससे ऐड करना पड़ेगा, जीरो से। तो ऑलवेज आप जीरो से यहां पर ऐड करोगे, ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है। तो अनयूज्ड इनपुट क्या होगा, जीरो। और उसी तरीके से अगर हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोलें, तो भाई जो चीज मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई होती है वो एडिशन में भी होती है, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस ए होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आपकी यहां पर भी सेटिस्फाई होकर रहेंगी, ठीक है। इसको अब आप अच्छे से लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं, जो चीजें आपकी एंड में थी वही चीजें हमने और में भी पढ़ी हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से, सभी ने आंसर दिया था अनयूज्ड का, वेरी गुड अन्या, लिपिका, सबने आंसर किया था, प्रियंका, शुभम। नैंड गेट का सिंबल यही होता है आपका, पहले एंड गेट फिर सर्कल, सर्कल का मतलब नॉट। तो देखो नैंड गेट का मतलब होता है एबी का बार, मतलब सिंपल सा अगर आप लॉजिक देखोगे ना, तो जो आपने एंड पढ़ा है एंड का कॉम्प्लीमेंट कर देना रिजल्ट का। तो एंड में आप क्या पढ़ते थे, ट्रिपल जीरो वन, तो यहां पर क्या पढ़ोगे, ट्रिपल वन जीरो। सिंपल सा लॉजिक यहां पर ये है, जीरो जीरो का एंड क्या होता है, जीरो, तो नैंड क्या हो जाएगा, वन। जीरो वन का एंड जीरो, तो नैंड वन, ऐसे वन वन का एंड वन, तो नैंड जीरो। तो इस तरीके से आप नैंड को माइंड में रखोगे। एक बात और अच्छे समझ लो, जैसे मैंने और गेट में भी आपको बोला, हर एक लॉजिक गेट का जो काम होता है,
हर एक लॉजिक गेट का जो काम होता है वो आपको माइंड में रखना है। तो नेट गेट का काम क्या है, ध्यान से सुन लो, जितने इनपुट रहेंगे, रटो मत कि दो इनपुट हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करके होल बार करना, ये काम होता है नैंड गेट का, चाहे 100 इनपुट हो चाहे 1000 इनपुट हो, जितने भी इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करके होल बार करना, ये होता है नैंड गेट का काम। तो यहां पर अब अगर मैं एक सिचुएशन बनाऊं, पहला पॉइंट यहां पर, पहला पॉइंट दूसरा है, देखो अब अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं तो ये नैंड गेट तो है लेकिन इसको बोला जाता है बबल्ड नैंड गेट। यहां पर जो इनपुट है ना वो अप्लाई होने से पहले बबल हो रहे हैं, मतलब मैंने क्या बोला, सर्कल का मतलब क्या होता है, बार करना, इसका मतलब यहां पर इनपुट जो है वो ए बार और बी बार अप्लाई हो रहे हैं, तो ये नैंड गेट ही, देख सकते हो आप, बनाया मैंने नैंड गेट ही है लेकिन इनपुट जो है वो ए और बी की जगह ए बार और बी बार अप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे कोई बताएगा आंसर क्या आएगा, यहां पर मैं क्या लिखूं, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है कि नैंड गेट का काम क्या होता है तो बड़े आराम से आप बता पाओगे यहां पर क्या लिखूं मैं। तो मुझे बताओ कि मैंने ए और बी अप्लाई किया है और फिर बबल किया है तो ए बार बी बार अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर आपका, जल्दी बताओ। वेरी गुड शुभम, ए प्लस बी, देखो जिन्होंने सुना है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, नैंड गेट का काम क्या होता है, जितने भी इनपुट दिखाई दे रहे हो सबको मल्टीप्लाई करना, तो इनपुट कौन कौन से हैं, ए बार और बी बार, तो पहले दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा जो इनपुट है, फिर क्या करना है आपको, फिर करना है आपको होल बार, ठीक है। तो यहां पर देखो, नहीं सुनोगे जो मैं वर्ड्स बोलता हूं ना, एक एक पॉइंट की मीनिंग है, इस बात को समझो, ठीक है। और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि जितने इनपुट हैं सबको मल्टीप्लाई करो और होल बार करो, तो इनपुट ए बार बी बार है ना, तो ए बार बी बार को मल्टीप्लाई करो और उसका क्या कर दो, होल बार कर दो, ठीक है। तो फिर अब क्या लगेगा, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन में क्या होता है, डॉट का प्लस हो जाता है और इंडिविजुअल का बार, तो ए बार का बार कितना होगा, ए, बी बार का बार कितना हो जाएगा, बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ये आपका कितना आ जाएगा। और क्लियर है पॉइंट अच्छे से, तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझना है कि जितने इनपुट दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करो और उनका होल बार कर दो, तो ये कहलाता है आपका बबल्ड नैंड गेट। तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो ऑलवेज ध्यान रखना, बबल्ड नैंड गेट इज इक्वल टू ऑर गेट, बबल्ड नैंड गेट इज इक्वल टू ऑर गेट। सेकेंड पॉइंट, इनेबल एंड डिसेबल। अब तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हर कोई बताएगा, अब तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, दो बार हो गया है, दो बार सेम चीज करने के बाद तीसरी बार तो बताओगे। तो इनेबल एंड डिसेबल, तो मैंने क्या बोला, ये है आपका बबल्ड नैंड गेट और गेट के इक्वल। अब आपको पता लगाना है इनेबल डिसेबल क्या है, तो मुझे बताओ इनेबल क्या रहेगा। तो यहां पर अब अगर मैं करना शुरू करूं तो ए कंट्रोल जीरो, ए कंट्रोल वन, किसी ने आंसर दिया, किसी ने नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अच्छा शुभम ने आंसर दिया है कंट्रोल वन, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। तो ए जीरो भी हो सकता है, ए वन भी, ए जीरो भी हो सकता है, ए वन भी। और किसी ने आंसर दिया, प्रियंका ने आंसर दिया कंट्रोल जीरो, अभी तक सुन नहीं रहे हो मेरी बात क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, शुभम का वन है, प्रियंका का जीरो है, मतलब दोनों में से किसी एक ने गलत दिया है। अब आप ध्यान से देखो, जीरो जीरो का नैंड क्या होता है आपका, वन, वन जीरो का नैंड क्या होता है, वन, फिर से जीरो वन का वन, वन वन का जीरो। तो अब आप देखो, आपको कभी ना कभी तो जो एक लाइन इतनी बार रिपीट हो रही है उसको ग्रैप करना ही पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला आपको कि ऐसे ऐसे नहीं देखना है, यहां वन वन होने से कोई नहीं है कि वो बड़ा हो गया वन, सिर्फ ये देखना है कि इनपुट में चेंज किया, वर्टिकली देखो तो आउटपुट सेम है कि अलग अलग है, यहां सेम नहीं दिख रहा है आउटपुट आपको, तो ये तो डिसेबल होगा ना, और यहां पर इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में भी क्या है, चेंज है, तो ये कितना हो जाएगा, इनेबल। शुभम आपका आंसर करेक्ट है।
तो इनेबल होगा, इनेबल कितना है आपका, इनेबल है आपका वन। इनपुट में जब चेंज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब बनना चाहिए, थर्ड टाइम था और वो सबसे बनना चाहिए। लेकिन चलो प्रियंका आपने ट्राई तो किया, बाकी किसी ने ट्राई भी नहीं किया, पॉइंट ये है। तो थर्ड टाइम में एटलीस्ट अगर आप नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे कर पाओगे ये सोचो। तो यहां पर इनपुट में चेंज हमने किया तो आउटपुट सेम रहा, इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में चेंज हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट अलग अलग आया। किसके लिए क्या आया इस बात से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड होगा आपका अनयूज्ड। अब मुझे बताओ अनयूज्ड इनपुट क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताओ कि अनयूज्ड इनपुट क्या होगा। तो अगर हम अनयूज्ड इनपुट को चेक करने के लिए जाएं तो फिर से वही कंसेप्ट होगा आपका कि आपके पास तीन इनपुट हैं लेकिन वेरिएबल सिर्फ दो हैं। वेरी गुड शुभम। तो आपका टारगेट अभी भी वही है कि आपको एबी का बार चाहिए, जो दो इनपुट से हो सकता था वो चाहिए। तो दो इनपुट से एबी का बार मिल सकता था, अलग अलग गेट की अलग अलग पोजीशन है ना। अभी आप नैंड गेट पढ़ रहे हो तो दो इनपुट से आपको, ठीक है प्रियंका वन करेक्ट है, दो इनपुट से आपको एबी का बार मिल सकता था। अब तीसरे को ऐसा क्या दें, अब कोई ये भी सोच सकता है बार को देखकर कि जीरो दे दे क्या। अगर आप जीरो देते तो नैंड गेट का काम क्या होता है, नैंड गेट का काम ये होता है कि जितने इनपुट हैं सबको मल्टीप्लाई करे और होल बार करे, तो ये आंसर मिलता। तो ए बी जीरो क्या हो जाता, जीरो, जीरो का बार क्या हो जाता, वन, आपका आंसर गलत आ जाता। आपको क्या चाहिए, आपको ए बी का बार आंसर चाहिए। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो आपको क्या देना चाहिए, ऑलवेज वन। अगर आप वन दोगे तो ए बी वन कितना होगा, ए बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का बार। तो अनयूज्ड इनपुट, ठीक है लिपिका, अनयूज्ड इनपुट जो होगा आपका वन ही होगा, चाहे एंड गेट हो चाहे नैंड गेट हो। ठीक है, अनयूज्ड इनपुट आपका वन ही होगा, चाहे एंड गेट हो चाहे नैंड गेट हो। और एक काम करो, अब ये तो उतार ही लो अगर नहीं उतारे हो तो, दूसरा काम कि एक बार चेक करो एंड गेट, और गेट एंड नैंड गेट, जो हमने तीन गेट पढ़े, नॉन गेट को लेने की जरूरत नहीं है वो अलग था। एंड गेट, नैंड गेट और गेट में देखो जो अनयूज्ड इनपुट था वही इनेबल था, चेक करके देख लो। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। आप देखो यहां पर इनेबल कितना था, वन, अनयूज्ड इनपुट भी वन था। एंड गेट में भी अनयूज्ड इनपुट वन था, इनेबल वन था, और गेट में इनेबल जीरो था, अनयूज्ड इनपुट भी जीरो था। तो हमेशा ध्यान रखना जो अनयूज्ड इनपुट रहेगा वही इनेबल रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखनी है। जो अनयूज्ड इनपुट वही इनेबल। अब लास्ट इसी में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि आप ए बी का होल बार करो, बी ए का होल बार करो, या ए बी सी का होल बार करो, या सी बी ए का होल बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई होकर रहेगी, मतलब यहां पर अगर आप ए बी लिखे उसकी जगह बी ए लिख दो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां पर ए बी सी लिखा है तो सी बी ए लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन लॉजिक क्या होता है एसोसिएटिव, ए बी सी का होल बार अगर आप पहले करते हो तो ऐसा आ जाएगा आपका। लेकिन अब अगर आप, मैंने क्या सिखाया था आपको एंड गेट में कि ए बी सी अगर करना है तो पहले ए बी करो फिर उसके आउटपुट को सी के साथ करो, तो क्या यहां पर ऐसा होगा। तो यहां पर देखो अगर मैं पहले ए बी करूं तो क्या आंसर आएगा, ए बी का बार, उसके आउटपुट को अगर सी के साथ करूं। तो देखो इसके दो इनपुट क्या क्या है, ए बी का बार है और सी है। मैंने क्या सिखाया है, नैंड गेट का काम क्या होता है, जितने इनपुट है सबको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो ए बी का बार इंटू सी करो और उसके बाद उसका होल बार करो। तो आप खुद चेक कर लो, जब आपने तीनों इनपुट को एक साथ लगाया तो आंसर क्या आया, ए बी सी का होल बार। फिर जब आपने पहले दो को किया फिर थर्ड वाले के साथ किया तो आंसर जो आया बिल्कुल अलग आया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगी, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है नैंड गेट और नॉर गेट, यहां पर होल बार होने के कारण एसोसिएटिव कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन कम्यूटेटिव आपकी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर रखनी है। सबको देखो क्लियर हो पाया,
कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी गेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव हर जगह सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव मतलब तीनों का एक साथ करो, जो आंसर आया फिर क्या करो, दो का करो उसको थर्ड के साथ करो। ठीक है, ठीक है शुभम, ठीक है लिपिका, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली ये हमारा नेट गेट भी यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नॉट गेट, नेट गेट, एंड गेट और ऑर गेट फिनिश कर लिया है। देखो ध्यान रखना, नेट गेट फिनिश नहीं हुआ है अभी। नेट गेट एज अ यूनिवर्सल गेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यूनिवर्सल गेट पढ़ने से पहले पहले हमें सारे लॉजिक गेट पढ़ने होंगे, मतलब एक्सऑर, एक्सनॉर और जो नॉर गेट बचा है सारे के सारे पढ़ने होंगे, उसके बाद फिर हम नैंड गेट और नॉर गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी बचे गेट्स पढ़ लेंगे, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर, और उसके बाद यूनिवर्सल गेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।